फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल टैलेंट दीवा। आई होप यू आर डूइंग गुड। और आज मैं इस वीडियो में रिव्यू करने जा रही हूँ जॉन्सो का ये लहंगा जो मुझे कल ही रिसीव हुआ है। ये लहंगा मैंने जॉन्सो में देखा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये एक लेमन कलर का लहंगा है जो कलर इसका बहुत ही अच्छा जो मुझे एसेटिस मिला है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। हम देख सकते हैं ये लेमन कलर का लहंगा, और लेमन कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखते हैं, सो फ्रेंड्स ये लहंगा मुझे मिला है, ये कुछ इस टाइप का है। यहाँ पे जो ये बेल्ट दिया हुआ है वेस्ट पे, वेस्ट लाइन पे जो बॉर्डर दिया हुआ है, तो अगर आप इसका क्रॉप टॉप बनाएंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि एनहेंस होके आएगा। और ये प्रॉपर नेट का लहंगा है, सिंपल नेट का लहंगा, यहाँ पे कोई वर्क नहीं किया हुआ है। बट अगर आप नीचे की ओर देखें तो नीचे यहाँ पे फ्रिल दी हुई है, ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ सबसे नीचे फ्रिल दी हुई है इस टाइप की। और यहाँ पे सिंपल सिंपल छोटे छोटे स्टिकेंस वर्क दिए हुए हैं। तो ये कुछ इन्होंने यहाँ पे जो मिलते हैं मार्केट में, ये इन्होंने स्टिक किया हुआ है, ये सिला हुआ नहीं है, ये कुछ इस तरह से। बाकी ऑल ओवर ये एकदम ही सिंपल है, इसमें कुछ भी बीच में वर्क नहीं किया हुआ है। ये जिनकी हाइट 5'5" 5'6" है उनको ये आराम से आ जाएगा। वेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो 37 तक आराम से ये आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा था पिक्स में। और जो मुझे मिला है कलर भी एकदम सेम मिला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। और ये सेमी स्टिच है, बस आपको यहाँ से सिर्फ एक स्टिचिंग करानी होगी अपने साइज की। बात करते हैं इसके ब्लाउज की, तो ब्लाउज ही में अटैच होके मिला है मुझे। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताना भूल गई, ये जो इसका अस्तर है, इनर है, ये सिल्क फैब्रिक में है। और इसमें जो फ्लेयर है काफ़ी अच्छी फ्लेयर है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ्लेयर है, बट इसमें कैन कैन नहीं लगा हुआ है। बात करते हैं इसके ब्लाउज की, तो ब्लाउज का जो फैब्रिक है ये भी सिल्क है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वर्क किया हुआ है। तो ये जो वर्क है आप इसको लाइक स्लीव्स में भी लगवा सकते हो और नेक बॉर्डर भी दे सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। बाकी हम बात करें इसके फैब्रिक की, तो फैब्रिक क्वालिटी ठीक है, ओके है। क्योंकि अगर आप इसको बनवाएंगे तो इसमें आपको अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी, इनर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी पतला है। बट अदरवाइज अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगा। और दुपट्टा जो है, दुपट्टा अगर मैं बात करूँ तो दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें वर्क किया हुआ है। तो लहंगा सिंपल है तो दुपट्टा पे पूरा वर्क किया हुआ है जो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए इस तरह से इसमें यहाँ पे लेस दी गई है, इस तरह से ये इसमें यहाँ पे लेस दी गई। और ये बीच बीच में ऐसे बूटी लगे हुए हैं। तो दुपट्टे की लेंथ की बात करें, दुपट्टे की लेंथ काफी ज्यादा अच्छी है। आप इसको ऐसा साइड में भी ले सकते हैं, और साइड में अगर आपको नहीं लेना है तो आप ऐसे ऐसे भी इसको आप ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैरी कर सकते हैं। ओवरऑल इस लहंगे की बात करें तो मुझे लहंगा काफ़ी अच्छा लगा, और कलर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेमन कलर है। और हल्का हल्का सिक्वेंस वर्क दिया है क्योंकि इसमें मेंशन था सिक्वेंस वर्क, बट सिक्वेंस वर्क सिर्फ नीचे फ्लेयर में दिया हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये था जॉन्सो के लहंगे का रिव्यू जो लेमन कलर का था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जितने भी
नए वीडियोस एंड के नोटिफिकेशन आप सबको मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।